के रोहतक में प्रसव के दौरान हुई महिला व नवजात बच्चे की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दफनाए हुए नवजात शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकाला गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस और FSL की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं। मृतक महिला के पति का कहना है कि दो हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी व नवजात बेटे की मौत हुई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात नायब तहसीलदार बंसी लाल ने बताया कि मृतक महिला के पति रणजीत सिंह ने शहर के जाने माने अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवजात के शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए PGI भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मामला था ये? देखो इसमें हमारे को एक मामला संज्ञान में आया जो कि उपायुक्त महोदय ने मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है, तो इसमें मौके की पे आके पता चला कि कोई रंजीत नाम का एक व्यक्ति जो उसकी पत्नी ने दो जुड़वा बच्चों को एक प्रगति हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है शुक्रवार चौक पर दो बच्चों को जन्म दिया था जिसमें एक लड़की और एक लड़का जीत पैदा हुए थे। तो जो परिवार के सदस्य का कहना उसके पति का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे बच्चे जो लड़का उसकी मौत हो चुकी है और जो मेरी पत्नी है वहाँ से सीरियस हालत में देखते हुए दूसरे हॉस्पिटल में जो रेफर की थी उसकी भी उसी दिन रात को ही मौत हो चुकी है। और जो कि बच्चे को 28 तारीख को दफना दिया गया था और दफनाने के बाद लापरवाही का मुकदमा डॉक्टर अरमशेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद में आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बतौर यहाँ पर बच्चे की डेड बॉडी निकाली गई और जो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में ले जाए तो कार्रवाई की जाएगी सर। अगर लापरवाही तो जानकारी के अनुसार रोहतक के आजाद गढ़ की रहने वाली महिला शिशु ने 27 फरवरी को दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इस दौरान महिला व उसके नवजात बेटे की मौत हो गई थी। अगले ही दिन नवजात को दफना दिया गया था। तो वहीं मृतका के पति ने पत्नी और मौत का जिम्मेदार शहर के दो अस्पतालों को बताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। बीते दिन मृतका के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। तो वहीं अब पुलिस ने नवजात के शव को भी कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी कर ली है ताकि ये साफ हो सके कि माँ बेटे की मौत के पीछे असल में अस्पताल की लापरवाही है या फिर वजह कुछ और है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब के स्टूडियो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।